नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं कि सिस्को को 11-12 को घेरा, डालो डेरा डालो आंदोलन होगा। साथ में ये भी बताएंगे कि 100 से अधिक, यहाँ पे देख सकते हैं, 100 से अधिक विधायकों का साथ 11 को प्रदर्शन होने वाला है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर बीपीएससी टीचर बहाली की आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बेस्ट बुक नहीं है, तब चाक्यू प्रकाशन का बेस्ट बुक ले सकते हैं। देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन के लिए एक बुक दिया गया है और भाषा के लिए एक बुक दिया गया। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि फ्लिपकार्ट और एजन में मिल सकता है। बहुत अच्छी बुक है, इसकी तैयारी करने के साथ ही आपका एग्जाम सफलतापूर्वक निकल जाएगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। एक और पटना छप के आ रही है, हिंदुस्तान पेपर में इस न्यूज को प्रकाशित किया गया। बिना शर्त राजकर्मी के दर्जे की मुख्य मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक 11-12 जुलाई को यहां अपने अपने क्षेत्र के विधायक विधान परिषदों के घर घेरा डालेंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा एवं महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा ने रविवार को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षकों की 8 सूत्री मांग में पुरानी पेंशन योजना एवं सच अधिकारियों से ही स्कूलों का इन्फेक्शन कराया जाना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, कोषा अध्यक्ष अयोध्या पासवान, अंकेक्षक रामभूषण उपाध्याय, प्रवक्ता प्रेमचंद तथा मिथिलेश शर्मा भी मौजूद थे। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा एवं महासचिव नागेंद्र शर्मा ने कहा कि 2 चरण का आंदोलन पूरा हो चुका है, बावजूद समस्याओं के निराकरण को लेकर सरकार से किसी प्रकार की वार्ता का न्योता नहीं मिला है। ऐसे में शिक्षक 11-12 जुलाई को 3रे चरण के आंदोलन पर उतर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याएं सुलझाने के बदले उलझाई जा रही है, लेकिन इससे शिक्षक हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्त शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा एवं नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से अच्छादान के साथ ही निम्न कोटि के अधिकारियों से स्कूलों का इन्फेक्शन आदेश वापस लिए जाने तक शिक्षकों का आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा अपितु तेज होगा। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार एवं राज्य कार्य समिति अध्यक्ष समूह प्रसाद भी उपस्थित थे। अब यहाँ पे देख लीजिए, 100 से अधिक विधायकों का साथ है और 11 को प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये भी खबर पटना छप के आ रही है और हिंदुस्तान आज के पेपर में प्रकाशित किया गया है। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की मुख्य मांग को लेकर 11 जुलाई को हजार शिक्षक बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विधानमंडल सदस्यों के आवास पर डेरा डालेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव व पूर्व सांसद सत्यधन प्रसाद सिंह ने रविवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदर्शन में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार नगर पंचायत प्राथमिक शिक्षक संघ एवं परिवर्तन शिक्षक संघ के अतिरिक्त अन्य संगठनों के भी हजार शिक्षक भाग लेंगे। उस दिन प्रदर्शन 11 बजे दिन में प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होगा। अपने अपने क्षेत्र के विधानमंडल सदस्यों के आवास पर डेरा डालने वाले शिक्षक उनसे आग्रह करेंगे कि राजकर्मी की मांग पर जोर डालने के लिए सदन में आवाज उठाएं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की मांग का विधानमंडल के 100 से भी ज्यादा सदस्यों ने लिखित समर्थन किया है। समर्थन पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत स्तर से लेकर स्थानीय निकाय एवं संसदों ने भी पूर्व से कायर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 की कंडिका 8 में पूर्व से कार्यरत पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों को भी आयोग द्वारा विज्ञप्ति पदों पर नई नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठने की बाध्यता निर्धारित की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि एक ही प्रकार के विद्यालय में एक ही तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले 3 तरह के शिक्षक हो जाएंगे। नई नियमावली शिक्षकों के साथ भेदभाव करने वाले है। इस अवसर पर
प्राचार्य प्रभा के संपादक विजय कुमार सिंह, बामेश्वर शर्मा, प्रवीण, मृत्युंजय कुमार, गौतम कुमार एवं मनोज कुमार भी वहां पे उपस्थित थे। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया, और भी इसी तरह का अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।